नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के कानून मंत्री का पदभार संभालते ही कार्तिक सिंह विवादों में घिर आए हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें कोर्ट की नजर में फरार हैं, यानी कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित किया है, उनके को लेकर के वारंट जारी हुआ है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वह यह है कि कार्तिक सिंह के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, कार्तिक सिंह ने खुद इन बातों को कहा है कि उन्हें लेकर के ऐसा कुछ भी नहीं है और बाकायदा अदालत की ओर से उन्हें गिरफ्तारी, किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती और किसी तरीके की जो पुलिसिया कार्रवाई होती है इससे छूट दी गई है। जी हाँ, कार्तिक सिंह की ओर से जो कहा गया है वह यह कहा गया है कि अदालत की ओर से ही उन्हें न तो गिरफ्तार करने का पुलिस को आदेश दिया गया है, न उन्हें किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती उनके करके उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है और न ही उनके खिलाफ किसी प्रकार की पुलिस कोई कार्रवाई होने के लिए 1 सितंबर 2022 तक का आदेश कोर्ट ने जारी किया है। जी हाँ, ये जो खबर है, ये सबसे बड़ी खबर यही है कि अदालत की जो जो बातें चल रही थी कि बिहार के कानून मंत्री कार्तिक सिंह विवादों में है, वो अपहरण के एक मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए भागे भागे चल रहे हैं, भगोड़े हैं, उनके खिलाफ वारंट है, तो ऐसी किसी भी बात का कार्तिक सिंह ने खंडन करते हुए अदालत का आदेश दिखाया है। दरअसल यह पूरा का पूरा जो मामला कार्तिक सिंह से विवादों में घिरा है, यह वर्ष 2014 के एक अपहरण से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2014 में पटना के ही पास बिहटा में एक अपहरण का मामला हुआ था। अपहरण के उस मामले में कहा गया कि कार्तिक सिंह आरोपी हैं, यानी कि अपहरण का जो मामला था उसमें कार्तिक सिंह को भी आरोपी बनाया गया था। इस मामले में मोकामा के बाहुबली विधायक रहे अनंत सिंह भी एक आरोपी हैं और उनके ही खासम खास माने जाने वाले कार्तिक सिंह जो हैं वो हाल फिलहाल ही MLC बने थे और एक दिन पहले ही उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। मंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही कार्तिक सिंह विवादों में घिरा है और कहा गया कि वह फरारी चल रहे हैं। अब जो कार्तिक सिंह की ओर से कहा गया है कि वह उसमें बताया गया है कि उन्होंने अदालत से नो कर्सिव ले रखा है, यानी नो कर्सिव कानून की भाषा में एक ऐसा शब्द है, इसका मतलब होता है कि उन्हें गिरफ्तारी से छूट दी गई है। अदालत की ओर से जो कार्तिक सिंह को आदेश दिया गया है उसमें कहा गया है कि वर्ष 2014 के जिस अपहरण कांड में कानून मंत्री कार्तिक सिंह को कोर्ट की नज़र में फरारी बताया जा रहा है, उसमें अदालत ने उन्हें राहत दी है। इस मामले में कार्तिक ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय व्यवहार न्यायालय दानापुर में इस मामले की सुनवाई हुई थी। 12 अगस्त 2022 को जारी अदालत के आदेश में पटना जिला के मोकामा थाना को कहा गया था कि कार्तिकेय सिंह उर्फ मास्टर साहब को 1 सितंबर 2022 तक नो कर्सिव प्रदान किया जाता है। दरअसल नो कर्सिव, आपको समझने की चीज़ है कि नो कर्सिव होता क्या है। नो कर्सिव यानी गिरफ्तारी से छूट। यह जब नो कर्सिव आदेश कोई भी अदालत किसी को लेकर के जारी किया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि जो जिस आरोपी को लेकर के नो कर्सिव जारी हुआ है उसे एक निर्धारित तिथि तक पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है, ना ही उसमें गिरफ्तारी होती है, ना उसे धर पकड़ करके किसी प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई की जाती है। तो इसी में अदालत ने नो कर्सिव आदेश जारी किया है और इसे दानापुर से 12 अगस्त को जारी हुआ है। ध्यान रखने की बात है कि 16 अगस्त को कार्तिक सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली थी। ऐसे में जो मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली थी उससे 4 दिन पहले ही अदालत से यह आदेश जारी हुआ था और इस आदेश में उन्हें छूट, गिरफ्तारी से छूट की बात कही गई है। इसके पूर्व दरअसल कार्तिक सिंह जो है वो इस मामले में पटना हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर किए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने 16 फरवरी 2017 को ही कार्तिक सिंह की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें निचली अदालत में जाने को कहा था। कार्तिक ने फिर निचली अदालत का रुख किया और वहां अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की, लेकिन वहां उन्हें की जो इस मामले में सुनवाई है वह लगातार सुनवाई चल रही है। अब कोर्ट ने अपने ताजा आदेश में मोकामा थाना के नाम से जारी आदेश में कार्तिक सिंह को गिरफ्तार नहीं करने या उनके खिलाफ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करने का निर्देश दिया है। कानून की भाषा में इसे नो कर्सिव कहा जाता है। दरअसल आप यह जानिए कि ये जो पूरा का पूरा मामला है 2014 से जुड़ा हुआ है, जो एक अपहरण कांड का है। इसमें एक बिल्डर की अपहरण हुआ था और इसमें मोकामा के विधायक जो रहे थे अनंत सिंह, वह उनके अलावे जो कार्तिक सिंह है वो और कुछ अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसी मामले में पहली बार MLC का चुनाव जीतने वाले जो कार्तिक सिंह हैं अब मंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही विवादों में घिरे और उन्हें अब गिरफ्तारी को लेकर के कहा जा रहा है कि वो भगोड़े हैं, वारंटी उनके खिलाफ जारी है और कोर्ट की नजर में वो वारंटी है, भगोरे हैं। लेकिन अब ऐसा कार्तिक सिंह की ओर से जो जारी पत्र की है अदालत के आदेश से उसमें साफ साफ बताया गया है कि उन्होंने कोर्ट से नो कर्सिव ले रखा है, इसलिए न तो 1 सितंबर 2022 तक उनकी गिरफ्तारी होगी, न उन्हें पुलिस कोई किसी प्रकार की पुलिसिया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एक प्रकार से कार्तिक सिंह को यह अदालत से बड़ी छूट मिली हुई है और आगे जो 1 सितंबर है, 1 सितंबर 2022 के बाद क्या होता है वह तो अलग विषय है, लेकिन तत्काल कार्तिक सिंह के लिए सबसे बड़ी
राहत की खबर, और खास करके नीतीश सरकार के लिए, तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके लिए, अपने कानून मंत्री को जो विवादों में घिराए थे उन कानून मंत्री को लेकर के अब बड़ी राहत मिली है और अगले 1 सितंबर 2022 तक कार्तिक सिंह को इस मामले में किसी प्रकार की पुलिसिया कार्रवाई से छूट मिली हुई है। आगे कार्तिक सिंह के मामले में और क्या क्या होता है, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन।